Hello students, today we are towards the topic voyaging towards excellence. Children, we come across lots of these words that we have now, voyage, if you're a picnic, okay, expedition, excursion, camp. So here children, voyaging towards excellence is a chapter that's written by Achyut Godbole. Now, he was born in 1950. Children, now, before we begin the lesson, let me acquaint you with the writer. Bachelor, Marathi or English, it's a language in which his writings are quite famous. He was a very prolific writer. He has written lots of productive and very various genres he has written. Genres are, children, various, like, you know, you've got drama, you know, you've got thrillers that we have, जैसे pictures के genres होते हैं बच्चों, वैसे literature के भी genres होते हैं. So numerous original works as well as adaptations from works of other languages into Marathi, मतलब translations भी किए हुए हैं इन्होंने. His writing style is very informative yet very informal. तो अब ज़्यादा formal नहीं बनोगे उनके writings में. तो IIT मुंबई 1972 से बच्चों, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लिया था और इंडिया के बच्चों लोग टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होल्ड किए हुए उन्होंने इन लाइक ग्रेट रेप्यूटेड कंपनीज. सो इज अ कॉर्पोरेट फिगर वी कैन से चिल्ड्रन. अच्छा, उन्होंने जो अपना ऑटोबायोग्राफिकल स्केच लिखा है विच इज पेन बाय अच्युत गोडबोले, डिपिक्स इज जर्नी फ्रॉम अ एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय से लेकर बच्चों लोग अ वेरी फेमस राइटर. इस जर्नी कैसे तय किया था उन्होंने? अच्छा, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स. ओके, तो मुझे लगता है अपने इंफोसिस के जो मालिक है कौन, नारायण मूर्ति, उन्होंने जब पटनी कंप्यूटर छोड़ दिया था अपना इंफोसिस का कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो उसी पोस्ट पे अच्युत गोडबोले ने बच्चों लोग फिर चार्ज संभाला था. अच्छा, और उतना ही नहीं, बच्चों, यस, हेडेड मेनी ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज. ओके, लेकिन बाद में वो क्या बन चुके थे, एक फेमस राइटर. अभी आज का जो बच्चों अपना राइटअप है, इट डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, किस तरीके से वो हर एक फिल्म में एक्सीलेंटली परफॉर्म करना चाहते थे. हाउ ही डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज की भूख बच्चों कैसे डेवलप हुई थी. एंड ही ऑल्सो डिस्कसेस इन ब्रीफ एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस एंड द वेज टू अचीव इट, किस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं अपने लाइफ में. तो आई थिंक उनके करियर से, उनके लाइफ स्टोरी से हम लोग भी मोटिवेट होके अपने लाइफ में भी बच्चों ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं. सो अगेन चिल्ड्रन, इट्स अ क्वाइट लेंथी टॉपिक दैट वी हैव. लेट्स सी हाउ मच वी कैन कंप्लीट टुडे एंड द रिमेनिंग पार्ट वी कैन कीप इट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर और इफ पॉसिबल वी माइट कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ. ओके, Voyaging towards excellence. बच्चों, ये स्टोरी है तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. Voyage, children, it's a journey. तो excellence की तरफ उनका जर्नी क्या था? तो बच्चों, बहुत ज्यादा हाईफाई ऐसा लाइफ था नहीं उनका, बहुत ज्यादा सिंपल परवरिश हुई थी उनकी. लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे. 300 फीट के घर में किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, जहां पे बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थे बच्चों लोग, मतलब तभी उन लोगों के लाइफ में बच्चों एक फैन, फिर एक फ्रिज, ओके, गीजर, या फिर घर पे डाइनिंग टेबल, या फिर गैस, ये सब चीजें तभी बच्चों लोग, आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिलीज के नसीब में नहीं थी. तो आप कार या फिर एयर कंडीशनर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे ना. हाँ, जब उन्होंने कॉलेज जाना चालू किया था बच्चों लोग, तब उनको एक घड़ी मिली थी और तभी उनके घर पे गैस स्टोव और एक डाइनिंग टेबल आया था, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया रहेगा उनके लाइफ का. चलो, एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज वेरी यंग, ओके, तो ही सेज कि लाइक उनका चाइल्डहुड बच्चों बहुत ज्यादा रिच था. रिच मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू मनी चिल्ड्रन, इट्स रिच अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गॉट टू लर्न इन ए चाइल्डहुड. बच्चों लोग उनके घर पे विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर या फिर वसंत बापट, ये जो फेमस पोएट्स थे उस टाइम पे उनके घर को विजिट करते थे वो लोग, और बहुत देर तक, मतलब घंटों तक वहां पे बैठ के कुछ डिस्कशन होता था पोएट्री के बारे में. चिल्ड्रन, दिस ऑल्सो टॉक अबाउट मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, और उनके टॉपिक्स क्या होते थे, केशव सूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन, जो बहुत फेमस राइटर्स थे बच्चों लोग, या फिर थॉमस हार्डी. अच्छा, अभी बात क्या हो गई थी बच्चों लोग की, आई डिड नॉट, मतलब तभी
अच्युत गोडबोले के बच्चे लोग क्योंकि वो छोटे थे तो यू नॉट फुली अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि वो लोग क्या बात करते थे। हाँ लेकिन वो इम्प्रेस बहुत होते थे उनकी बात से। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव मिस्टर पंडित कुमार गंधर्व या फिर पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, जो उनके घर पे कभी विजिट करते थे बच्चे लोग। और तभी से बात क्या होती थी, लेट नाइट तक चिल्ड्रन यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। और कभी कभी तो बच्चे लोग समटाइम्स टिल डॉन, डॉन मतलब यहाँ पे क्या होता है, सुबह तक बात चलती रहती थी। अच्छा तो धीरे धीरे बच्चे लोग राइटर को डेवलपमेंट होने लगा था। ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लिटरेचर म्यूजिक, ओके, फ्रॉम द टाइम ही वेंट टू स्कूल बच्चे लोग। लेकिन ही ऑल्सो सेज कि लाइक आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक क्या होता है उनको पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता था उनको। एंड आई बिगैन टू लव इट ट्रिमेंडसली सिंस देन। लेकिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुआ था म्यूजिक से। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एट आवर होम और अबाउट, घर पे बात कौन सी चलेगी आपको पता चले, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा, मतलब आर्ट। अच्छा दे ऑल्सो हर्ड अबाउट द डिस्कशंस अबाउट वैन गॉग, मोजार्ट या फिर माइकल एंजेलो, हु आर द ग्रेट आर्टिस्ट ना चिल्ड्रन। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ सच मिलियू, मिलियू का मतलब होता है चलो एनवायरमेंट, ऑरा बोलते हैं ना उसको, एक सोशल एनवायरमेंट अराउंड मी, दैट आई हैड अ फर्म बिलीफ विच आई स्टिल होल्ड दैट ऑल आर्ट्स आर इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन आर लाइव्स देन साइंस और टेक्नोलॉजी। तो चलो अपने लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना इम्पोर्टेंस होता है उतना ही ज़्यादा आर्ट्स, लिटरेचर, ये सब चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस होता है। उतना नहीं तो कम से कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन कम ऑब्वियसली नहीं। अच्छा और एक चीज जो उन्होंने अपने बचपन में सीखी थी बच्चों लोग, दैट ही हैड लर्नड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, पैसा सब कुछ नहीं होता है। हाँ नेसेसरी है बच्चों लोग, हाँ लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। देयर इज समथिंग विच एनरिचेस आवर लाइव्स एंड पुट्स मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, एंड देयर इज समथिंग लाइक यू नो आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, ये चीजें हमारे लाइफ में और ज्यादा एनरिचमेंट लाते हैं बच्चों लोग, दे एनरिच आवर लाइव्स। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। अच्छा अभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको साइंस और मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, ही लव्ड दोज सब्जेक्ट्स एज वेल चिल्ड्रन। अच्छा हाउएवर आई डिड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, आई यूज्ड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स और एनी सब्जेक्ट फॉर द मैटर ऑफ इट्स इनहेरेंट ब्यूटी। कोई भी सब्जेक्ट बच्चों लोगों सिर्फ एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ते थे, उनको क्या लगता था कि वो जो टॉपिक या फिर वो जो सब्जेक्ट्स की खूबसूरती होते ना बच्चों लोग, वो पढ़ने में उनको बहुत मजा आता था। जैसे कि उनको बच्चों लोग न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो होता है या फिर पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है बच्चों, फाउंड देम वेरी एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। एलिगेंट मतलब क्या होता है बच्चों लोग, इट्स ग्रेसफुल ना, स्टाइल उसका जो होता है। अच्छा उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं बच्चों लोग, जब वो सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो तभी वो नाइन्थ स्टैंडर्ड के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मतलब ऐसे शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन मतलब वो जब इन्वॉल्व होते तो यूज टू एंजॉय दैट अ लॉट। एंड इन फैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे भी होता था कि बहुत सारे केसेस में वो अपने खुद के मेथड्स ढूंढ के निकालते थे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। हाँ अभी एक बात थी कि लाइक उनके करिकुलम का हिस्सा नहीं था क्योंकि वो सेवेंथ में पढ़ते थे, नाइन्थ के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो जो प्रोसेस था इट समटाइम्स हेल्प्स यू टू एंजॉय अ लॉट ऑफ, वी कैन से। नाउ दिस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशन एंड सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हेल्प मी टू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड विच केम हैंडी व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों लोग 12वीं के बाद। तो उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड था और पढ़ने का, क्यों एग्जाम के लिए नहीं, मार्क्स के लिए नहीं, मतलब अच्छा लगता था उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये उनको बाद में फायदेमंद हुआ था बच्चों लोग जब उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। क्योंकि आपका जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों लोग, इट्स टोटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और लॉजिक के ऊपर डिपेंड होता है ना बच्चों लोग, और आप कितना क्विकली और कितना रैपिडली लॉजिक को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ये आपके एबिलिटी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड यू विल बी शॉक टू नो चिल्ड्रन, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए तो 100% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए उन्होंने मैथमेटिक्स में इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस फ्रॉम माई फर्स्ट टिल आईआईटी बैरिंग अ फ्यू टाइम्स। हाँ लेकिन जब एसएससी का बोर्ड एग्जाम हुआ था बच्चों 10वीं का, तो उनका रैंक क्या आया था बच्चों लोग, 16, क्योंकि तभी पूरा महाराष्ट्र, नागपुर, ये सबको मिला के बच्चों लोग एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता था।
अच्छा जब यूनिवर्सिटी की बात आई थी तो ही स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल द सब्जेक्ट पुट टुगेदर. अच्छा तभी क्या होता था बच्चों कि अगर आप अपने स्कूल से वगैरह बच्चों टॉप करोगे तो आपको आईआईटी के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने मतलब बिना देखे ही आपको वहां पे एडमिशन मिलता था किधर आईआईटी में अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लाओगे तो. लेकिन ये बात बच्चों सोलापुर में किसी को पता नहीं थी ना. Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. But nobody in Solapur told me about it. For I doubt if anyone in Solapur actually knew about it. मतलब पूरे सोलापुर में किसी को पता नहीं था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में टॉप मारोगे तो आपको IIT के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑटोमेटिक एडमिशन मिल जाता था. तो ठीक है, फिर इन्होंने अपियर किया था बच्चों लोग जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए और अच्छा सा रैंक भी मिला था, सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेम. Now, he was very happy for getting into the IIT, that is Indian Institute of Technology. हाँ, लेकिन फिर उनका जो खुशी था, उनकी जो खुशी थी बच्चों, वो थोड़ी short-lived थी, मतलब ज़्यादा देर तक वो खुशी मिली नहीं थी उनको. Now, सोलापुर में बच्चों, मतलब कभी उन्होंने एक बिल्डिंग देखा नहीं था जो तीन मतलब तीन स्टोरी से ज़्यादा रहेगा ना, मोर देन थ्री फ्लोर्स. मुंबई आपको पता बच्चों, इट वॉज फुल ऑफ skyscrapers. और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर्स थे जो आईआईटी में पढ़ते थे वो किस में बात करते थे बच्चों लोग, ऑब्वियसली इन इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए थे. लेकिन फिर अच्युत गोडबोले का बच्चों इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा पढ़ाई मराठी से किया था एंड हिज स्पोकन इंग्लिश वॉज चिल्ड्रन वेरी पैथेटिक. पैथेटिक मीन्स लाइक यू नो होपलेस वी कैन से, कुछ नहीं आता था उनको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा. Now, not only did I have a very weak vocabulary, लेकिन उनका pronunciation बच्चों लोग, construction of sentences, उनको इतना awkward feel होता था ना बच्चों लोग कि वो किसी के सामने बात नहीं कर सकते थे English में. अब इसकी वजह से क्या हो गया कि फिर वो अकेले पड़ गए थे and he was feeling very terrified in Mumbai. और IIT में ज़्यादातर उनको बहुत ज़्यादा lonely feel होता था और सीधी सी बात है धीरे धीरे उनके मन में एक inferiority complex आ गया. What is inferiority complex? कि आप खुद के बारे में बहुत मतलब लो प्रोफाइल के बारे लो प्रोफाइल में सोचना चालू करते हैं. और कभी उनको ऐसे भी लगा था कि लाइक आई वांट टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी और मुंबई से भी भागना चाहते थे. एक दिन ऐसे हुआ था कि वो अपने मेस के टेबल पे बैठे थे बच्चों लोग, ठीक है, यू आर सिपिंग अ कप ऑफ टी वी कैन से, जब वो एक सीनियर लड़का आया था उनके पास, ठीक है, और उनके बाजू वाले चेयर पे बैठ गया था. शायद वो कॉन्वेंट एजुकेटेड था और एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, अच्छा कम से कम वो बोल तो अच्छा लेता था, कॉलोक्वियल इंग्लिश ना, दैट इज कॉलोक्वियल मतलब चलो कॉन्वर्सेशन होता है. अच्छा वो थोड़ा एरोगेंट था, अटीट्यूड था एंड ही वांटेड टू पुल हिज लेग, मजाक उड़ाना चाहता था. सो कुछ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की उन्होंने एंड देन ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट हिज एरर्स. मुझे लगता है हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड में उन्होंने मिस्टेक बताया था उसका और पाँच मिनट के बाद वहाँ पर उनका इंसल्ट करके चला गया था वो लड़का. अभी बच्चों आप इमेजिन भी कर सकते हो कि अच्युत गोडबोले को कितना ह्यूमिलेटिंग लगा रहेगा ना, कितना इंसल्टिंग लगा रहेगा, वेरी अपसेट, मतलब इतना डिप्रेस फील कर रहे थे एंड ही वाज फीलिंग सो डिफिडेंट ना, डिफिडेंट लाइक यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसे लग रहा था कि लाइक ये इंसिडेंट एकदम ये आखिरी स्ट्रॉ था बच्चों लोग, मतलब ऐसे लग रहा था कि डू इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज ओवर. पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, ह्यूमिलेटिंग फील कर रहे थे, अपसेट थे और उसके ऊपर ये इंसल्ट, तो ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन चिल्ड्रन, टूट गया था वो अंदर से, मतलब ही वॉज फीलिंग की लाइक ही वॉज समवन आउटसाइडर एंड ही रियली वॉन्टेड टू रन आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड गो बैक टू सोलापुर दैट वेरी मोमेंट. लेकिन फिर बच्चे लोग उनका सेल्फ इस्टीम था, उनका एक आत्मसम्मान था ना जो उनको रोक रहा था. हाँ तो उनके अंदर बच्चे लोग बहुत सारा डिटर्मिनेशन था, स्ट्रेंथ था एंड इट ऑल ग्रिप्ड हिम. मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि अगर वो सोलापुर से होके एक रूरल एरिया से होके अगर स्कूल में कॉलेज में आईआईटी में टॉप मार सकते हैं, मैथमेटिक्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो सही है ना उनमें. सो ही थॉट व्हाई शुड आई गिव अप एंड जस्ट फॉर द रीजन दैट ही डिड नॉट नो इंग्लिश. इंग्लिश इज नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ चिल्ड्रन. मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग इफ यू डोंट नो इंग्लिश, डोंट फील फॉर एग्जाम्पल लो इफ यू डोंट नो इंग्लिश, यू कैन लर्न इट. And he was not going to give up. So he was determined to fight back. Abhi wo bidne wala tha matlab. Theek hai. Jaise unhone unke hostel ke rooms ke steps climb kiye the, to unke man mein bachlo unka plan ready tha.
ज्यादातर लोग बच्चे लोग हम लोग ऐसे वर्नाक्यूलर मीडियम से पढ़ते हैं ना, सो इट इज लाइक मराठी फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश. तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, अगर हम लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं देन ऑल्सो वॉट डू वी डू, वी थिंक इन मराठी एंड देन वी ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश. और तो हम लोग कुछ ऑकवर्ड फैशन में बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपना सोचने का लैंग्वेज बच्चे लोग, अगर आपका मदर टंग मराठी है तो ऑब्वियसली आप कौन से लैंग्वेज में थिंकिंग करोगे बताओ, ऑब्वियसली मराठी. तो वेन यू थिंक इन मराठी एंड देन यू आर गोइंग टू कन्वर्स इन टू इंग्लिश, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट होते हैं बच्चे लोग कभी कभी ऐसे. अच्छा, नाउ ही डिसाइडेड कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मराठी में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. शी वॉज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्ट क्योंकि ही ऑल बच्चे लोग अच्युत गोडबोले का एक इनहेरेंट क्वालिटी था ना, दैट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सेल, एक्सेलेंस परफॉर्मेंस. सो दिस अर्ज, ये जो उनकी इच्छा थी बच्चे लोग एक्सेल करने की, कोई भी काम करो उसमें एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देने का सिंस इज चाइल्डहुड. और विदाउट सक्सेस इन दिस और नॉट आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई. और यहाँ पे भी बच्चे लोग ही वॉन्टेड टू स्पीक एक्सेलेंट एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश. तो बच्चे लोग चलो अभी एम तो सेट किया हुआ है. द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू स्टार्ट रीडिंग. बच्चे लोग देखो आप भी कुछ सीख सकते हो इसे, न्यूज पेपर्स पढ़ते थे, इंग्लिश नॉवल्स पढ़ते थे, देन इटाइमोलॉजी एंड फोनेटिक्स. व्हाट इज इटाइमोलॉजी चिल्ड्रन, कि कौन सा वर्ड कौन से रूट से लिया गया बच्चे लोग, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था वर्ड्स का, उसको इटाइमोलॉजी बोला जाता है. फोनेटिक्स इज द लाइक यू नो साउंड प्रोनंसिएशन जो होता है उसको फोनेटिक्स बोलते हैं. एंड ही स्टडीड द रूट्स ऑफ वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम. बच्चे लोग घंटों तक मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करते थे वो इंग्लिश स्पीकिंग, और कभी भी उनको वो मिरर के सामने उनके मिस्टेक्स उनको रियलाइज होते थे एंड करेक्टिंग देम माई सेल्फ ऑल द टाइम एंड इम्प्रोवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे. बच्चे लोग 9 से 10 महीने हो गए रहेंगे एंड ही स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश एट लेंथ विद एनीबडी. सो अभी किसी से भी कितनी भी देर तक वो अच्छे से इंग्लिश बात कर सकते थे. उनके मन में जो डर था बच्चों, इट हैड टोटली वैनिश्ड एंड स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माय हॉस्टल इन माय फ्यूचर करियर. आउट ऑफ 32 इयर्स इन आईटी सेक्टर ही वाज वर्किंग, तो बच्चों लोग ही वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर एमडी बोलते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेजर सॉफ्टवेयर कंपनीज विद थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड. तो बच्चों लोग तभी उनको कैसे अपने कंपनी में प्रेजेंटेशंस देने पड़ते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त नेगोशिएट करना पड़ता था बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वेदर इट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया. और तभी वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करते, यूज़ टू फील एब्सोल्युटली एट ईज एट दैट टाइम. क्यों बच्चों लोग, इसके पीछे रीजन था क्योंकि जब वो आईआईटी में थे दैट आई कुड साइन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मिलियंस एंड डॉलर्स वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो रन लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज. तो उन्होंने बच्चे लोग जो भी मेहनत की थी कहाँ पे, आईआईटी में, वो सब अभी उनको पे बैक. इट्स चिल्ड्रन हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स इन लाइफ ना, मतलब क्या होता है कि इससे पहले आपने कुछ सीखा था वो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो ना. तो कोई भी चीज़ जो आप सीखते हो लाइफ में चिल्ड्रन, इट नेवर गोज वेस्ट इन लाइफ. एट आईआईटी आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स इन माई फर्स्ट 2 years. तो पहले 2 साल में बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिले थे उनको, लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड चिल्ड्रन स्कोरिंग दोज नाइस मार्क्स, जब अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो एक बात थी वहां पे. हाउएवर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड व्हाइल आई वाज इन माय थर्ड ईयर. क्या हुआ था बच्चों, केम इन कॉन्टेक्ट विद अबाउट 15 to 20 एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ना, जो रिसर्च करते थे, प्रोफेसर्स थे फ्रॉम आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ के बच्चे लोग जो रिसर्च के स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट हुआ था. और दे लाइक वो ग्रुप में कौन थे बच्चे लोग, टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी, विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, या फिर वेरी रिनाउंड मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन. तो बच्चे लोग क्या होता था, इंस्टेंटली चिल्ड्रन या फिर इंस्टेंटेनियसली ही वॉज अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप. तो सबके बीच में फ्रेंडशिप भी हुई थी बच्चे लोग, और अच्छे ऐसे मोटिवेशनल ऐसे स्पॉन्टेनियसली जो कॉन्टैक्ट्स बनते बच्चे लोग, इट हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ.
अच्छा, अंटिल दैट टाइम आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ समवॉट इंटेलिजेंट. अब तक वो खुद को इंटेलिजेंट मानते थे. However, after I met my friends in a group, I came to know what real brilliance meant and I realized where I stood. तो इतने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उनको पता चला था कि वो एक्चुअली क्या थे और कितने ब्रिलियंट थे, क्योंकि उनके आजू बाजू वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. चलो वो लोग जीनियस थे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे और थोड़ा वर्कआउट करना है. आई वॉज एक्चुअली वेरी लकी दैट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रेट पीपल ऑन द ग्लोबल स्केल अर्ली इन माई लाइफ. लेटर इन माई लाइफ वेन मिस्टर नारायण मूर्ति लेफ्ट पटनी to start Infosys, I started heading Patni software division, occupying the same chair. तो जिस chair पे नारायण मूर्ति बैठते थे, बच्चों, one of the India's greatest entrepreneurs ना, उसी chair पे अच्युत गोडबोले भी बैठे थे बच्चों. Now my head office was in Cambridge, या फिर Massachusetts, let's say for example United States of America, very near Boston, Boston के नजदीक. It was in fact the adjacent building to MIT in America. Now that's like, you know, children, Massachusetts Institute of Technology, MIT करके बोलते ना, yes. तो बच्चों लोग, he almost had to visit United States every few months in those days. तो कभी कभी वो लोग MIT को भी विजिट करते during lunch time. तो वहां पे उनके बहुत सारे friends भी मिलते थे उनको. अच्छा, और वो एक ऐसी जगह थे बच्चों, वहां पे आपको नोबल लॉरेट्स भी मिलेंगे डाइनिंग टेबल पे. एंड इफ यू वॉक्ड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वायर नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे चलो, मतलब यहाँ पे रीचेबल थे. सो आई टू विजिट बोथ ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज एंड टॉक टू नंबर ऑफ नोबल लॉरेट्स, जिनको नोबेल प्राइज मिले, ऐसे जीनियस लोग ना. एंड ड्यूरिंग दीस इयर्स आई ट्रैवल अ लॉट टू US, यूरोप, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. And could meet a great thinkers, management gurus, like, you know, Alvin Toffler, Peter Drucker, management gurus, C.K. Pralhad, Tom Pritters. If you great technologists such as Vincent Cerf, jinhone internet protocol, TCP/IP, na? Internet protocol jo hote vachalo, wo build kiya tha. And all these discussions with this great broadened my horizon. Vachalo, aapko jab tak aise log nahin milte, tab tak aapka horizons bada nahin hota hai na? तो ऐसे लोगों को मिलने के बाद उनके ड्रीम्स और बड़े हो गए थे. एंड एम एंड वर्ल्ड वाइड बिकेम ग्लोबल. नाउ इट टॉट मी ह्यूमिलिटी एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ. एंड द लेसन्स इन ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क एज वेल एज पैशन फॉर एक्सलेंस वॉज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन माई लाइफ. तो बच्चों लोग, यहाँ पे उन्होंने जितना कुछ भी सीखा था, whatever he had learned till now, it was going to be very useful, children. क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होते हैं ना children, that is called humility. आपको arrogance या फिर attitude, ये चीज़ें life में ज़्यादा आगे लेके नहीं जाती है. तो इनके अंदर बच्चों लोग ये जो qualities थे, and very important children, इनका जो passion था ना excellence के लिए, ये इनको life में बहुत आगे लेके जाने वाला था. ठीक है? So children, I'll just close it down here today. In the coming lecture, I will wind up with this lesson. तो मुझे लगता है क्योंकि short span of time और ये COVID-19 की वजह से दो lessons omit किए, तो उसकी वजह से मुझे लगता है अपना lessons का section तो next lecture में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद में अपना poems complete करूँगा. Then I'll be teaching you the children novel section और उसके बाद में फिर मैं आपको writing skills and along with that we'll be also doing with the grammar section. Okay? So that's all for today, children. See you in the next lecture with the continuation of this particular topic. Bye, everyone. Take care.